बहुत दिन से फ्रेंड्स चाय के साथ ब्लॉग की शुरुआत नहीं की हूँ फ्रेंड्स, आप सबसे चाय नहीं शेयर किया, तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत चाय से कर रही हूँ और लास्ट तक यहाँ उबल रहा है दूध। हाँ, तो बोल रही थी लास्ट तक ब्लॉग को जरूर देखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है फ्रेंड्स। और आज ईद भी है तो मेरे सारे फ्रेंड्स को ईद मुबारक। ईद स्पेशल एक दो रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी, तो लास्ट तक जरूर ब्लॉग को देखना। और आप सबसे बात करते करते चाय तैयार हो चुका है, तो अदरक इलायची तेजपत्ते वाली चाय साथ में मारी बिस्किट, सुबह की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। और दही फुल्की बनाऊंगी नाश्ते में, आगे आगे देखते हैं क्या सब करते हैं। आ जाओ फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाओ, अदरक तेजपत्ते वाली चाय पीते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7 से 8 सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, पानी में बॉयल कर लिया था लाल मिर्च को और फिर ठंडा करके जिस पानी में बॉयल किया था पानी के साथ मैंने ग्राइंडर जार में ले लिया है। 8 से 10 क्लोव गार्लिक है, गार्लिक को भी ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और इनका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। लाल मिर्च और लहसुन के पेस्ट बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 कटोरा 150 ग्राम मैंने बेसन ले लिए हैं, इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करना है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जस्ट 2 पिंच सोडा। 2 पिंच सोडा ऐड करने के बाद 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज जाएगा इसमें और 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद एक बार बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके पकौड़ा का बैटर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़ा का बैटर तैयार करते हैं उसी तरह से ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेना है। तो बैटर मैंने तैयार कर लिया है और इधर गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। जब तक तेल गर्म हो रहा है दही फुल्की के लिए दही का एक बैटर तैयार करेंगे, एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए 1/2 केजी दही को मैंने एक बार चर्न कर लिया था, ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा और ये काला नमक नहीं है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल पिंक साल्ट है जो मैं यूज करती हूँ। तो नमक ऐड करने के बाद फिर मैंने जो लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था भर के 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। डिपेंड करता है आप कितना तीखा और लहसुन का फ्लेवर पसंद करते हो उतना इसमें ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप थोड़ा सा मात्रा बढ़ा सकते हो या थोड़ा कम रख सकते हो। फिर इसमें 2 छोटे ग्लास से मैंने पानी ऐड किए थे, क्योंकि जब हम पकौड़ा को फ्राई करेंगे और फ्राई करके हम इसी दही के बैटर में ऐड करेंगे तो पकौड़ा दही वाले बैटर को ना एब्जॉर्ब करेगा, तो दही वाला जो मैंने मिक्सर तैयार किया है उसको थोड़ा पतला रखना है। तो 2 छोटे ग्लास से मैंने पानी ऐड कर दिए थे, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, छोटे छोटे पकौड़े फ्राई कर लेने हैं और फ्राई करने के बाद इसको दही वाले बैटर में ऐड करेंगे। पकौड़ा का साइज बिल्कुल छोटा छोटा रखना है क्योंकि इसमें हमने सोडा ऐड कर रखा है, तो ये थोड़ा सा राइज करेगा, थोड़ा सा पकौड़ा का साइज बढ़ेगा। तो छोटे छोटे पकौड़े देखिए इस तरह से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेने हैं और फ्राई करके इसको दही का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पकौड़ा को दही के मिक्सचर में मैंने ऐड कर दिया है और सेम प्रोसेस से सारे पकौड़े को फ्राई कर लेने हैं और नेक्स्ट बैच को भी फ्राई करने के बाद दही के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और सारे पकौड़े को दही वाले मिक्सचर में ऐड करने के बाद फिर इसमें एक तड़का जाएगा। वैसे आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन तड़का ऐड करने से बहुत ही ऑसम फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। तो जिस तेल में मैंने पकौड़े को फ्राई किए थे वही तेल थोड़ा सा मैंने ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करना है। तड़का जब क्रैकल हो जाएगा तड़का को इसमें ऐड कर देना है, बस दही फुल्की डन है, बहुत ही मजे का बनता है। और इसे आप पार्टी में भी सर्व कर सकते हो, एज ए स्नैक भी खा सकते हो, आप ट्राई जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग की दौर एक ही जगह तक है,
या तो वेगस मॉल या नहीं तो एम्बियंस मॉल। एम्बियंस मॉल जा रहे हैं आज। शाम अभी आई है तो एम्बियंस मॉल जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा देर रहेंगे और इसके बाद भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और कहीं हम लोग जाने वाले हैं, उसके भी ब्लॉग आएंगे। गेस करते रहिए हम लोग कहाँ जाने वाले। काफी दिनों के बाद वहाँ जाएंगे हम। मेरा सेकेंड होम आपने तो सब बता ही दिया, बचा नहीं। बहुत सारे को पता नहीं होगा मेरा सेकेंड होम कहाँ है। हम वहाँ जा रहे हैं दरभंगा भी जाएंगे। वो मायके है, मायके है, वहाँ भी जाएंगे। दरभंगा भी है, मायके भी है, वहाँ ससुराल भी है, ससुराल भी जाएंगे, मायके भी जाएंगे, लेकिन वो बाद में जाएंगे। अभी हम अपना सेकेंड होम जो है वहाँ जाएंगे अगले हफ्ते तक। देखते हैं, मॉल जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कुछ पी पा लेंगे। खाते तो है नहीं, पी पा से कॉफी पियेंगे और सीधे आ जाएंगे। बस यही काम। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? चीनी मत डालिएगा प्लीज, जहाँ बैठो आप। ये नहीं डालना, छोड़ो। और कहीं भी जाना होता है फ्रेंड्स आउट ऑफ स्टेशन, तो कुछ ना कुछ एक दो चीज़ ऐसे रह जाते हैं जो लेना पड़ता है। तो हम लोग मॉल आना एक घूमने का भी बहाना था और एक दो चीज़ परचेज करना था, तो आ गई थी। और मैंने अपने लिए बहुत ही मस्त वाले ये ड्रेस लिए थे। ये देखिए दिनेश जी, क्योंकि हम रील्स बना रहे हैं। चावल को पहले 75% तक पका लेना है। तो ये देखिए पानी ले लिया है मैंने, उसमें कुछ खड़े गर्म मसाले, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च ऐड कर दिया, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, पुदीना और चावल ऐड कर दिया है। नमक भी मैंने ऐड किए थे, नमक पानी के हिसाब से ऐड करना है। जब तक चावल पक रहा है चिकन 65 मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून धनिया, 2 लौंग पेपर, 1 चक्री फूल, थोड़ा सा स्टोन फ्लावर पत्थर के फूल, 2 स्टिक दालचीनी, 2 जावित्री। ये देखिए इतना सा मैंने स्टोन फ्लावर लिया है, 8 से 10 लौंग, 5 से 6 हरी इलायची ले लिया है, 8 से 10 सूखी लाल मिर्च भी जाएगा और नमक, थोड़ा सा मैदा और चावल का आटा। मसाला का रेशियो इसी तरह से रहेगा और जितना मसाला आपको बनाना होगा उस हिसाब से रेशियो बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले मैं सारे गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, चक्री फूल, तो पहले सारे होल स्पाइसेज गरम मसाले को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। स्टोन पेपर, स्टार एनिस, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, सारे गरम मसाले को ड्राई रोस्ट करने के बाद ये सूखी लाल मिर्च को ऐड करना है। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद धनिया, जीरा, सौंफ ऐड कर देना है, इसको भी रोस्ट कर देना है। ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, बस सभी चीज़ों को हल्का खुशबू आने तक रोस्ट करना है। ये देखिए नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी निकाल लेंगे। फिर मैं 1 टीस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून मैदा को भी ड्राई रोस्ट करूंगी। ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा सोटे कर लेना है। कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को ड्राई ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से पहले 1 टेबल स्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किए थे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो 1 केजी चिकन में 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने के बाद मैंने जो मसाला पाउडर तैयार किया था उसको ऐड कर दूंगी। चिकन 65 मसाला ऐड करने के बाद, वैसे तो उस मसाला में सारे स्पाइसेज हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ। और फिर इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, 4 टेबल स्पून दही जाएगा। धनिया जीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किए थे। 1 नींबू का जूस ऐड करना है। नींबू का जूस ऐड करने के बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर भी ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बिरयानी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। 1 अंडा ऐड करना है और हल्दी पाउडर मैं स्टार्टिंग में देना भूल गई थी, तो अभी मैंने ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है और फ्राई करना है। मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स, प्लीज 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 आप देखना स्किप मत करना। आप आलू के साथ सेम प्रोसेस से इस रेसिपी को बना सकते हो। तो चिकन को अच्छी तरह से बिल्कुल क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। सारे चिकन को मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं एक ग्रेवी तैयार करूंगी। ग्रेवी के लिए बचे हुए तेल में हरी मिर्च
और खूब सारा कड़ी पत्ता ऐड करना है। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को थोड़ी देर सॉटे करने के बाद फिर इसमें जाएगा खूब सारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और फिर इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे। मैंने जो चिकन 65 मसाला बनाया था 1 टीस्पून वो जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने जितने चिकन लिए हैं उतने ही चावल लिए हैं, 1/2 kg चिकन है तो 1/2 kg राइस है। सारे मसाले को जस्ट 15 सेकेंड तक सॉटे करने के बाद फिर इसमें 1 कप दही जाएगा। जब भी दही ऐड करना तो गैस का फ्लेम लो रखना। दही ऐड करने के बाद खूब सारा धनिया पुदीना जाएगा और 1/2 कप फ्राइड ओनियन जाएगा। बरिस्ता ऐड करने के बाद 1 नींबू का जूस जाएगा और नींबू का जूस ऐड करने के बाद मसाला को अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें मैंने जो चिकन फ्राई करके रखे थे ऐड कर देना है। चिकन जो मैंने फ्राई करके रखे थे उसमें से 1/2 ही जाएगा और 1/2 में ऊपर से गार्निश करने के लिए रखूंगी। मसाले के साथ चिकन को थोड़ी देर पका लिया था, अब बिरयानी को असेंबल करते हैं। तो पहले मैंने चावल का लेयर लिया, फिर मसाला वाला चिकन, फिर बरिस्ता और फिर इसके ऊपर फिर से चावल। इसके ऊपर फिर से मैंने जो चिकन फ्राई किए थे थोड़े से बचा के रखे थे उसको एडजस्ट कर दूंगी और फिर हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, फिर केसर को मैंने दूध में भिगो के रखे थे उसको एडजस्ट करना है और थोड़ा सा रेड फूड कलर भी मैंने भिगो के रखे थे पानी में घोल के उसको एक साइड से एडजस्ट कर देना है। इससे बिरयानी में एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसमें घी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया था, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता था। इस तरह से फॉइल पेपर से सील करके तवा के ऊपर इसको रख के 1/2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फिर स्लो फ्लेम पे 15 मिनट तक मैंने पका लिया था। यम्मी सा चिकन 65 बिरयानी डन है। और झटपट से एक डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए, दही को मैंने हंग कट बना लिया था, रात भर ओवरनाइट इसको छलनी में रख दिया था फ्रिज में, और उसमें थोड़ा सा शुगर फ्री, मैं शुगर फ्री यूज करती हूँ इसलिए शुगर फ्री, आप चीनी ऐड कर सकते हो, वनीला एसेंस, ये सारी चीज़ें ऐड कर दिए थे और इसको ठंडा कर लिया था। इसके ऊपर मैंगो चंक्स ऐड करके एक हेल्दी वाला डेजर्ट बनाई हूँ, क्योंकि मैंगो सीजन में है तो सबसे हेल्दी मुझे ये लगता है डेजर्ट। तो यही योगर्ट वाला डेजर्ट बनाई थी, तो सोचा आप सबसे शेयर कर देती हूँ। बिरयानी था और साथ में ये डेजर्ट था। और अगेन मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी ईद। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।